राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली भक्त आपसे करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आप कही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। कि नई खूबी, नई रंगत, कि नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। कहाँ है मनिया जी? हाँ, सामने बैठो। अजमेरा जी के साथ बैठ जाओ। कि नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। मान भाव, ये जो खाक का पुतला मिला है ना, तो पहले इस मनुष्य पर्याय को, ये मनुष्य पर्याय जब भी किसी को मिलती है तो कहा जाता है कि दिस इज द चांस। यानी ये जीवन एक अवसर है। और वो अवसर किस लिए हैं? अवसर इसलिए हैं कि हम अपने इस जीवन को प्राप्त करके कुछ कुछ करके जाओ। यदि चाहते हो कि ऐसे ही मर जाएं और घर के बच्चे फोटोग्राफर से जाकर के एक डेढ़ फुट की फोटो बनवा दें और घर की दीवार पर टांग दें और एक माला टांग दें उस पर नीचे लिखा हो जन्म इस तारीख को, मरण इस तारीख को, अगर ये जिंदगी चाहते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हो उसी में काम हो जाएगा, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर ये चाहते हो कि हमारे जिस घर में मेरा जन्म हुआ है, जिस घर में मेरा जन्म हुआ है, मेरी फोटो उस घर की दीवार पर ही टंगना चाहिए,
उस घर की दीवार पर नहीं टंगना चाहिए, हमारी फोटो क्या होना चाहिए, हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के दिल के अंदर वो फोटो छप जाना चाहिए। और यदि ऐसा चाहते हो कि तुम्हारी फोटो सब तक लग जाए, अरे एक बार बताओ, ये दुनिया राम के पीछे, हनुमान के पीछे क्यों भागती है, महावीर के पीछे क्यों भागती है, इनके पीछे इतना करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके मंदिर क्यों बना देती है। आज अरबों रुपए का राम मंदिर अयोध्या नगरी में बनने वाला है, क्या कारण है? क्योंकि ये ध्यान रखना, ये वो महापुरुष हैं जिनने जन्म तो लिया था पर ये मरकर के भी नहीं मरे, ये मरकर के भी नहीं मरे। और यदि आप कभी अकेले में बैठे और अकेले में बैठ करके ये ध्यान रखना कि अगर तुम भी ये चाहते हो कि मर करके भी ना मरे, कि अगर हम दुनिया की नजर में मर गए हैं पर फिर भी लोग दिमाग से नहीं हट रहे कि हम मर चुके हैं ना, मर करके भी जिंदा रहना चाहते हो तो जीवन में दो काम में से कोई एक काम करके जाना, या तो कुछ करने लायक लिख के जाना कि जिस पर कोई कुछ कर सके, या कुछ लिखने लायक कर जाना, या फिर कुछ ऐसी कृति कर जाना, कृत करके जाना कि लोग उस पर पुस्तक लिख सकें, या लिखने लायक करके जाओ या करने लायक कुछ कर लिख के जाओ, है ना, दो में से कोई एक काम करके जाना तो तुम्हें दुनिया मर करके भी तुम्हें मरने नहीं देगी। और यही कारण है कि आज जिंदा लोग हैं, अरे दुनिया कहती है कि सर्वश्रेष्ठ मुनिराज दुनिया के कौन हैं, बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज, पर विद्यासागर जी महाराज की दुनिया में मूर्ति नहीं लगी, लगी है क्या किसी मंदिर में मूर्ति है आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, विद्यासागर महाराज के मंदिर है क्या, नहीं है। आज लोग कहते कुंदकुंद सागर जी स्वामी महाराज, समन स्वामी, समन स्वामी महाराज, किसी की मूर्ति है क्या, बोले नहीं है, बोले अभी भगवान करने लायक काम नहीं किया इन्होंने, जो भगवान बनने लायक नहीं किए कि अभी हम लोग भले ही उनको पीछे पीछे भागते हैं, हम भले ही उनके पीछे पीछे जाकर के उनके चौके लगाते हैं, हम अपने घर से जाके चौके ले जाके बाहर लगाते हैं, पर अभी उन्होंने ऐसे काम नहीं किए। एक मंदिर बनाकर देख लो, अगर कोई व्यक्ति एक मूर्ति बना दे दुनिया विरोध करना चालू कर देगी, क्या जी कोई बात है क्या है मंदिर में। अभी हम लोग गुड़गांव में थे, एक माता जी ने एक अपने गुरुदेव की एक मंदिर बनाया नया, उसमें अपनी मूर्ति बनवा दी, सारे गुड़गांव में 4 महीने में सुन सुन के परेशान हो गया, जो भी लोग आए, महिलाएं पुरुष जिनने कभी शास्त्र भी नहीं पढ़े, जिनको शास्त्र का ज्ञान भी नहीं होगा, वो आके बोलते थे महाराज ये शोभा देता है उस मंदिर में, महाराज की फोटो, महाराज की मूर्ति है, जो कि कैसे हो सकता है, है? क्या महाराज भगवान है, महाराज महाराज थे, मैंने तो सोचो सामान्य व्यक्ति ऐसा बोल रहे थे ना। तो अभी भगवान बनने लायक कुछ करना है तो अभी हम भगवान नहीं है, भगवान के लघुनंदन है, भगवान के लघुनंदन है। क्योंकि अपन देखेंगे सर्वश्रेष्ठ 8 प्रकार के सम्यक ज्ञान होते हैं, 8 प्रकार के सम्यक ज्ञान होते हैं और 5 उसमें से 5 श्रेष्ठ होते हैं। उन 5 ज्ञानों में से 2 ज्ञान कौन से हैं, शुरू के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कौन कौन से हैं, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। मैंने जब पूछा, मैंने पूछा कि 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान। मैं लोगों से पूछा बताओ आचार्य विद्यासागर जी महाराज को कितने ज्ञान हैं, तो लोगों ने हिसाब लगाया, टोटल 5 तो होते ही हैं, है ना। तो बोले कि मनाप्रय ज्ञान हो, मनाप्रय ज्ञान, कोई बोला नहीं अवधि ज्ञान, है ना। मैंने कहा अरे ज्ञानी पुरुष शास्त्रों को पढ़, अज्ञानता के पर्दे को हटा, इस पंचम काल में चाहे कोई भी आचार्य महाराज हो,
उपाध्याय महाराज हों, साधु परमेष्ठी हों, ये जो तीन परमेष्ठी हैं जो तुम्हें पिछी कमंडल लेकर के दिखाई देते हैं, जो मंगल विहार करते हैं, तुम्हारे घर में आके आहार करते हैं, ये पंचम काल के सभी साधुओं के पास, और जो तुम हो श्रावक हैं, ग्रस्त हैं, जो हमें आहार देते हैं, चौकर लगाते हैं, विहार करवाते हैं, इन सभी के पास दो ही ज्ञान है, मति ज्ञान और सत ज्ञान। मनिया जी कितने ज्ञान है आपके पास? दो ज्ञान है, कौन से? मति ज्ञान और सत ज्ञान। अजमेरा जी कितने ज्ञान है आपके पास? दो ही हैं, मति ज्ञान और सत ज्ञान। विशुद्ध सागर जी महाराज के पास कितने ज्ञान हैं? विशुद्ध सागर जी महाराज के पास कितने ज्ञान हैं? दो ही ज्ञान। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास कितने ज्ञान हैं? दो ही ज्ञान हैं। सभी के पास, किसी को केवल ज्ञान नहीं है। ये हमारी भक्ति भाव की भावना है कि भक्ति भाव से अतिशयोक्ति अलंकार लगा करके हम किसी को भगवान बना देते हैं। आप ही तो भगवान बनाते हो, महाराज को हेट कौन करता है बताओ? लोग कहते हैं विशुद्ध सागर जी महाराज जब भोपाल में आए थे, तीन महाराज जी थे, है ना, और तीन महाराज जी थे, और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बोले भोपाल की देन हैं। कल हमारे अजमेरा जी बोल रहे थे कि महाराज जी तरुण सागर जी महाराज यहीं से उठे, भोपाल से उठे, है ना, आज जो देश में नाम है। दो ही ज्ञान है, कितने ज्ञान है? मति ज्ञान और सत ज्ञान। तो इसलिए अपन ध्यान रखना, अगर आपको अपने जीवन में, चाहे आप हो, आज अपन देखेंगे हर व्यक्ति घर में दुखी है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें कोई दुखी ना हो, कोई घर नहीं होगा। और अपन दूसरी बात ये भी देखेंगे कि हर घर में दुखी है, दुख भी है, परेशानी भी है ना, अर्थ की परेशानी भी है, पैसे की परेशानी भी है, व्यापार की परेशानी भी है, कर्जे में भी डूबे हुए हैं, क्लेश भी है। क्योंकि पहले क्लेश होता था कि पड़ोसी परेशान करता था, पहले के समय में घर के बाहर के लोग परेशान करते थे, पर आज के घर में कौन परेशान करता है? अपने घर के लोग। कोर्ट कचहरी है तो किसकी है? भाई भाई में है, है ना, हिस्से बांट नहीं हो रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? बड़ा भाई नहीं कर रहा, है ना, बड़ी जेठानी नहीं कर रही है, कौन परेशान कर रहा है? बोले बहू में परेशान है। बोले क्यों है? घर में बंटवारे नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बोले घर के लोग नहीं करेंगे, जाओ नहीं करेंगे, हिस्सा नहीं करेंगे हम, है ना, और तुम करने जाओगे तो कोर्ट कचहरी कर देंगे। कौन कर रहा है परेशान? अपने लोग। क्यों है अपने लोग? हम महावीर के वंशज, जब हम भगवान महावीर स्वामी का मंदिर बना सकते हैं, आदिनाथ का मंदिर बना सकते हैं, चंद्र प्रभु का मंदिर बना सकते हैं, तो क्या हम अपने घर को मंदिर नहीं बना सकते? क्या हम अपने घर को मंदिर नहीं बना सकते, है ना? पर हमें ज्ञान नहीं। हम जाकर के जब कभी किसी साधु के प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं तो समय सार की बात सुनकर के बड़े खुश होते हैं। हम किसी साधु के की प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं तो साधु महाराज आपको गाथाएं सुनाते हैं, बड़े बड़े गहर गूढ़ रहस्य वाले प्रवचन सुनाते हैं, तुम वहां तालियां बजा के आते हो, पर तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हें घर में तुम्हारा सवेरा कैसे हो, घर में प्रकाश कैसे हो, घर से अंधकार कैसे हो, ये बातें सुन के आओ। ये बोलो कि महाराज पहले खाली पेट को रोटी मिले, हैं, बीवी और पति में प्यार उत्पन्न हो, बाप बेटे में दुलार उत्पन्न हो, माँ बेटी में प्यार उत्पन्न हो, ऐसी ट्रिक बताओ, ऐसी सीख दो, क्योंकि गुरु का काम यही है। हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं, किसके पास रोएं, किसके दरबार में जाएं? ध्यान रखना, मैं अक्सर कहा करता हूं कि पाँव थक जाएंगे घूमते घूमते, कि पाँव थक जाएंगे घूमते घूमते, दर बदर चौखटे चूमते चूमते। कोई कह रहा है कि कौन सा मंदिर? चौक का मंदिर। कोई कह रहा है फलाना मंदिर। कोई कह रहा है ना नंदीश्वर मंदिर।
कोई कह रहा है फलाना मंदिर, अरे भैया मंदिर तो सब श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ रहेंगे, है ना, पर हम श्रेष्ठ कैसे बने? बात तो यहां पर है, कोचिंग तो बहुत सारी अच्छी है, टीचर तो बहुत सारे अच्छे हैं, पर टीचर वो अच्छा है जो हमारे बेटे को होशियार बना दे, हमारे बेटे को होशियार बना दे, ये ध्यान रखना, हमारे घर को स्वर्ग बना दे, हमारे घर में सुख शांति का आलम पेश कर दे, हमें वो मंदिर चाहिए, हमें वो भगवान चाहिए, चाहे चौक का कर दे, चाहे मंगल बारा का कर दे, हमें ऐसा संत चाहिए जो हमारे घर में सुख शांति कर दे, ऐसा आशीर्वाद देने वाला चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई महाराज मंत्र तन बांटते हैं, महाराज आपके एक घंटे के प्रवचन में ना, एक घंटे के प्रवचन में ऐसी चीज दे दो जाकर के हम मंत्र नहीं मांगते, गंडा नहीं मांगते, तावीज नहीं मांगते, हम तो मांगते हैं कि मोक्ष मार्ग का रास्ता क्या है, और क्योंकि हमें मालूम है कि मोक्ष मार्ग का रास्ता राजेश डॉक्टर साहब सुख शांति से निकलता है, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर बने ना, ये पनवाड़ी की दुकान में पैदा नहीं हुए थे, जितने भी तीर्थंकर पैदा होते हैं ये कभी भी किसी किराने की दुकान में पैदा नहीं हुए, कभी भी ये जितने तीर्थंकर पैदा हुए, रामचंद्र जी पैदा हुए, हनुमान जी पैदा हुए, जो किसी के घर में जाकर के जो सब्जी बेचता है उस घर में पैदा नहीं हुए, ये जब भी पैदा होते हैं तो राजा महाराजाओं क्या पैदा होते हैं, और राजा महाराजा क्या पैदा होते हैं, है ना, जैसे महानुभाव कभी अपनी संतान की तरफ नजर करना कि ये तुम्हारा बेटा, जैसे जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने रखा है, ये 9 महीने में पेट में रहने वाला व्यक्ति, इसने माँ को कितना कष्ट दिया, सोते में बिस्तर गीले कर दिए, पर माँ ने कभी भी बुरा नहीं माना, और आज वही बेटा तुम्हारी आंखों में आंसू दे रहा है, क्या कारण है, क्या गलती हुई तुमसे, हैं, तुमने क्या गलत किया उसके साथ? आज जिस पिता को, जिस पिता ने इतनी मेहनत से, जैसे एक माली अपने फुलवारी को सींचता है ना, ऐसे तुमने अपने बच्चों को सींचा है, वो बच्चा तुम्हें आंख क्यों दिखाता है? पहले के समय में बच्चों के लिए माँ बाप आंख का इशारा करते थे, बच्चे वहीं सहम जाते थे, और आज बच्चे तुम्हें आंख दिखाते हैं, तुम सहम जाते हो, क्या कारण है? ये चौक का मंदिर कहां गया है? ये मंगलवारा का मंदिर कहां गया? ये तुम्हारे बच्चों को परिवर्तन क्यों नहीं कर पा रहा है? तुम क्यों डर डर के जी रहे हो? हैं? तुम डर डर के क्यों कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? क्या कारण है? क्योंकि आप धर्म को समझ नहीं पाए। धर्म को समझने की आवश्यकता है। आज अपन देखेंगे, आज की डेट में ठाकुर, ब्राह्मण, गुजर, जाट, है ना, इनकी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, और आज हमारे ज्येष्ठ समाज छोटे छोटे 50 गज के मकान में, 25 गज के मकान में, 100 गज के मकान में, है ना, ऐसे रह रहे हैं। पहले के समय में लोग हमसे पैसे मांग के लेके जाते थे ना, आज तुम उनसे पैसे मांग के लाते हो, और वो तुम्हारे छाती पर आकर के उल्टा सीधा बोल करके तुमसे पैसे मांगते हैं ना, समाज में हंसी होती है, लोग हंसते हैं। आई एम राइट यस नो ना, क्या कारण है? और कहते हो कि हम भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, इससे महानुभाव रिसर्च करो। क्या करना है? रिसर्च करना है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि पाँव थक जाएंगे घूमते घूमते, दर बदर, दर कौन सी, ये सब भगवानों के दर हैं, कि दर बदर चौखटे चूमते चूमते, अपनी श्रद्धा को प्रभु से मिला लीजिए, अपनी श्रद्धा को खुद से मिला लीजिए, उम्र कट जाएगी झूमते झूमते, उम्र कट जाएगी झूमते झूमते। महान भाव, अब आप कहेंगे बहुत प्रवचन दे रहे हो, तो ही बता दो क्या कारण है। तो महान भाव ध्यान रखना, हम लोग सभी जंगल के शेर हैं। कैसे हैं बोलो, बोलते जाना। आज आप सब कौन हैं? जोर से बोलो। हाँ, पर तुम्हें लोगों ने सर्कस का शेर बना दिया है। क्या बना दिया है? सर्कस का शेर।
सर्कस में एक शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया। सर्कस के पिंजरे में एक शेरनी ने एक बच्चे को पैदा किया। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और जब बच्चा बड़ा हुआ तो माँ से पूछा कि माँ उस सामने पिंजरे में कौन है? बोले तेरा बाप। बोले कौन है? बोले तेरा बाप। बोले इतने बड़े बड़े बाल? बोले बब्बर शेर है। क्या बोले? बब्बर शेर है। और बोले इतने बड़े बड़े पैर? बोले हाँ बेटा, ऐसे ऐसे नाखून हैं, अच्छे अच्छे जानवरों को भी क्या कर दे, विदीर्ण कर देता है एक झटके में तेरा बाप। अच्छा, जब देखा कि शेर सुबह से भूखा था, बेटा भी देख रहा था इस पिंजरे से, उस बेटे में उस पिंजरे में बाप कैद था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।